हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आप चलाते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी यूट्यूब चैनल पुराना हो गया है, आप उस पर गाने डालें या ना डालें, क्या करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने यूट्यूब चैनल बनाए हैं, किसी का चैनल मोनेटाइज है, किसी का नहीं है, किसी का बहुत दिन हो गया है मोनेटाइज ही नहीं हो रहा है। तो अब लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि मैं पुराने चैनल पर काम करूँ या नहीं करूँ। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, पुराना चैनल है या नया चैनल है उसी के विषय में बताएंगे। आपका चैनल पुराना है, नया है, ठीक है, आप अगर एक साल से वीडियो नहीं डाल रहे हैं या दो महीने से वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तीन महीने हो गए नहीं डाल रहे हैं या एक साल से नहीं डाल रहे हैं, तो आपका चैनल पुराना है, मोनेटाइज है, नहीं मोनेटाइज है, दोनों करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि आपका चैनल पुराना है, मोनेटाइज हो गया है, एक साल से वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो आप काम करिए। जैसे कि आपका पुराना है, आप उस पर वीडियो डालते थे, अभी नहीं डाल रहे हैं, आपके पुराने जो सब्सक्राइबर हैं सब आपके वीडियो का इंतज़ार करते हैं कि आप वीडियो डालेंगे। तो जो भी आप वीडियो बनाते हैं, जैसे भी है, आप अपने मोनेटाइज चैनल पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। आपका पुराना चैनल है या नया चैनल है, तो आप जो वीडियो डालेंगे फिर उसके बाद क्रिएट करेंगे तो ज़रूर आपके वीडियो का व्यूज़ बढ़ेगा। और रह गया आपका चैनल पे कंटेंट आईडी मिला है या नहीं मिला है। मेरे चैनल पे आईपीआरएस के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है, आप जाके मेरे चैनल पे वीडियो देखिए, वहाँ से आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा। आप राइटर हो, सिंगर हो, आप वीडियो बनाते हो, आपको नहीं पता है कि हम म्यूजिक डायरेक्टर हैं, पब्लिशर हैं, आपको रॉयल्टी नहीं मिलता, आप गाने भी लिखते हैं, तो उस रिलेटेड से मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर बनाया है। आप जाइए मेरे चैनल पे वीडियो देखिए और वीडियो देखकर बताइए कैसा लगा, कमेंट करिए। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अगर आप आईपीआरएस में मेंबरशिप नहीं लिए तो आप सबसे पहले मेंबरशिप ले लीजिए, आप राइटर हो तो। और मेंबरशिप फॉर्म कैसे भरते हैं वो सारा वीडियो मैंने अपने चैनल में बनाया, और देख कर आप फॉर्म भरिए, आईपीआरएस मेंबरशिप ले लीजिए, अप्लीकेशन फॉर्म भरिए, ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं, मैंने सारा प्रोसेस बताया है अपने चैनल पर। और मेरा वीडियो देखिए कैसा लग रहा है बताइए। आईपीआरएस मेंबरशिप नहीं लिए हैं हम तो आईपीआरएस मेंबरशिप ले लिए हैं, तो आप भी आईपीआरएस मेंबरशिप ले लीजिए। मैं तो राइटर के लिए लिया हूँ, भरा हूँ, आप भी भरिए। और वीडियो कैसा लग रहा है, और आपको पता नहीं है अभी तक कि आईपीआरएस क्या है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया है अपने चैनल पर, मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यूजफुल वीडियो हैं बहुत सारे। MSC जो होता है, MSME करके सर्च करेंगे तो वीडियो पहले ही आएगा। अगर आप IPRS में मेंबरशिप ले रहे हैं, आपको नहीं पता है कि उसमें कौन कौन सा प्रूफ लगता है, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है अपने चैनल पे। तो सबसे पहले आप MSME का फॉर्म भर के आप ले लेंगे, उसके बाद IPRS में जाके आप रजिस्टर्ड होइएगा, अप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा और ऑनलाइन भरेंगे सबसे बेटर रहेगा। 45 डेज में हो जाएगा, आपके घर पे कुरियर आएगा, उस कुरियर पे साइन करके फिर आपको उसमें एक एड्रेस मिलेगा, उसी एड्रेस पे कुरियर करना रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर IPR से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पे कमेंट करिए या हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करिए, हम आपको बताएँगे उससे रिलेटेड आपको कोई समस्या है, फॉर्म भर रहे हैं नहीं भर पा रहे हैं, उसके रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मैं बताऊंगा आपको बना के। और बहुत सारे चैनल पे मेरे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो रहा IPRS के लिए और चैनल के लिए बताया। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए किसी IPRS के रिलेटेड, अगर आप सॉन्ग रजिस्टर्ड करते हैं, आप IPR नंबर आपको मिल गया है और आप सॉन्ग रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप देखिए, आपको पता चलेगा मेरे चैनल में जैसा बहुत सारा वीडियो है, आप देखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि हम ऐसा यूजफुल वीडियो लेकर आते हैं और आपको बताते रहते हैं। आप राइटरों को, म्यूजिक डायरेक्टर को, पब्लिशर को, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।